मोक्ष तीर्थ गया धाम के अक्षय वट व सीता कुंड बेदी पर नगर निगम के द्वारा लगाए गए प्रवेश शुल्क पर विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी समिति एवं तीर्थवृत्ति सुधारिणी समिति के पदाधिकारियों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गयाजी तीर्थस्थल पर जितने भी बेदी हैं वह सभी विष्णुपद मंदिर के अधीन है और इन सभी बेदियों का मालिकाना हक मंदिर का है, तो नगर निगम कौन होता है प्रवेश शुल्क लेने वाला। मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के कार्याध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल ने कहा कि आज तक किसी भी तीर्थस्थल पर इस तरह का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है, तो गया में इस तरह का जजिया लगाकर हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो अनुचित है और इससे हिंदुओं के तीर्थस्थल से हिंदुओं को दूर करने की साजिश रची जा रही है। अगर नहीं रोक लगाएंगे तो समाज आगे जो है दो चार दिन में जो निर्णय पर आएगा उसके लिए हम आगे देखेंगे, समझेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे, रोकने का ही प्रयास करेंगे, रोकेंगे नहीं किस। आप लोगों को लग रहा है कि दो बेदी जो शुरू किया गया धीरे-धीरे सब पर बाजार में। हाँ, ये तो लग रहा है कि हर बेदी पर जो है ये टैक्स लगाएंगे और उस पर जो है कर लगा करके ये कहिए कि जजिया टैक्स जो है लगाने का ये प्रयास है हमारे सरकार का, कहिए नगर निगम का। सिर्फ सनातन और हिंदू समाज पर ही हर जगह टैक्स लगाया जाता है। सौंदर्यीकरण तो केंद्र सरकार के ऊपर हुआ है, तो इसमें नगर निगम की कोई भूमिका कोई पैसा तो नहीं। इसमें तो बिहार सरकार के कोई मतलब, बिहार सरकार के कोई मतलब है? बिहार सरकार क्या नगर निगम का जो अच्छा बट तीन बेदी है, हम एक दिन देखे हैं, थोड़ा सा आप लोग अच्छी नहीं होइएगा कि अंदर में ऑटो घुसा दे रहे हैं, जबकि इतना बढ़िया फर्श बना हुआ है, टाइल्स बना हुआ है, अब पिंडदानी को लेकर आप घुस रहे हैं। आप उनसे पूछिए, लोग पिंडदानी वहाँ जाते थे अपने साधन से, उनका पार्किंग वहाँ ही होता तो एकदम परिसर में। हाँ, वो बड़ा गेट के अंदर वो परिसर वेदी का ही परिसर है जी, तो एकदम पार्किंग है। हाँ, पार्किंग श्राद्ध तो ऊपर होता है या नीचे और भी जो स्थल बना हुआ है उस पर श्राद्ध में जो है करीब करीब जो है अब तो लिस्ट हम अभी फिर भी जो है करीब 25-30 वेदी जो है समिति का है, कुछ वेदी जो है प्राइवेट भी है लोगों का हमारे समाज के ही और बाकी समिति का ही है और पंडा समाज छोड़ करके दूसरे लोगों का कोई बेदी नहीं है। कुछ दो चार बना क्या किसका समिति का सीता कुंड बेदी है, ब्रह्म सरोवर है, बैतरणी है, सूर्य कुंड है, अक्षयवट है, कागबली है, भीम गया है, भीम घुटा है, आपका जो है गदालोल है, उन्नीस बेदी हमारे नगर निगम बिहार सरकार के द्वारा 31 तारीख से फेवरेट बेदी और सीता कुंड बेदी पर 10 रुपया प्रवेश शुल्क ठेकेदार के द्वारा वसूला जा रहा है, जिसका कि हम समस्त गयापाल समाज, पंडा समाज जो है और पूरे हमारे सनातन समाज जो है इसका विरोध किया, पत्र के माध्यम के आप लोगों के माध्यम से विरोध किया, समाज को हमने बुलाया, समाज के सामने ये विषय को रखा, समाज ने एक स्वर से इसका विरोध किया, जिसका कि एक कॉपी हमने जा करके महापौर उपमहापौर दोनों को विरोध का पत्र दिया है, उनसे मांग किया है कि तत्काल इसको आप बंद करें और ये सारे भूमि तीर्थ वेदी जो है ये सब के मालिक विष्णुपद जी महाराज हैं, उसकी व्यवस्थापक विष्णुपद प्रबंधकारिणी इलाके 14 सैया गयापाल है, जो कि हमारा जो है सर्वे रिकॉर्ड में दर्ज है, ये संपत्ति भगवान का है, इस पर आप कोई भी कर नहीं लगा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको हम तत्काल रोकते हैं और आगे आपसे हम बात करेंगे। हम लोगों ने कहा कि जब भी आप बात करना चाहते हैं बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन तत्काल इसको आप रोकिए और यही दे करके हम उनको आए हैं और इसीलिए आप लोग को बुलाए हैं कि आपके माध्यम से भी इसका हम लोग विरोध करते हैं। आश्वासन मिला है कि जो हम इसको रोकेंगे और रोक करके आप लोग को बुलाएंगे, बैठक करेंगे, हम जाएंगे, मिलेंगे, विषय पर बात कैसे वो करते हैं, क्या करते हैं, संपत्ति मेरी है, व्यवस्था होना है, कोई भी संपत्ति का तो व्यवस्था करने के लिए विष्णुपद प्रबंधकारिणी है, वो व्यवस्था करेगी, आज विष्णुपद का व्यवस्था विष्णुपद प्रबंधकारिणी कर रही है,
बेदी मेरा है तो हम करेंगे उसका व्यवस्था। ये जो है हम कह करके वहाँ से आए हैं और आपके माध्यम से इसको जो है कितना दिन कब से चल रहा है? 31 तारीख आज कहे कि हम जो है अपना स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग बुलाते हैं, बुला करके उस पर जो है तत्काल जो आपका मांग है उस पर रोक करेंगे। लेकिन इसकी व्यवस्था कैसे हो इस पर एक हमारा आपका हम कहा कि जब भी आप बुलाएंगे तो हम आपके सामने हैं, बैठेंगे इस पर चर्चा करेंगे। तो रख रखाव के लिए बोले कि हमारा रख रखाव का पैसा देता लेटर है उनका नगर निगम का, तो कैसे होगा रख रखाव?